फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल ग्लैमरस लक्ष्मी एंड मैं हूँ लक्ष्मी। आई होप आप सब भी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगेन मीशो साड़ी हॉल होने वाला है और आप लोगों को मीशो की साड़ियाँ पसंद भी बहुत आती हैं। अगर आपको मीशो के अलावा कहीं से देखना है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से। और आज ना जो भी मैं साड़ियाँ दिखाऊंगी, शिफॉन की हैं, जॉर्जेट की हैं, जिमी छू साड़ी है, बहुत ही सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन है ना उसे भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको फर्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। ये वाली साड़ी 446 की है और बहुत ही सुंदर सी एकदम सॉफ्ट फैब्रिक में साड़ी है। और ये कलर जो है, कलर कम्बिनेशन ना, ये एवर ग्रीन है, इसका फैशन कभी नहीं जाता। आपको आए दिन ये कलर कम्बिनेशन में साड़ियाँ दिखती रहेंगी। और इतनी ज़्यादा खूबसूरत सी ये साड़ी है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सी साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही है। कलर कम्बिनेशन खास करके इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बांधनी साड़ी है, अगर आपको सावन में पहनने के लिए लेना है तो ले सकती हैं। इसमें ग्रीन कलर भी है, ब्लू भी है, रामा ग्रीन भी है, तीन कलर कम्बिनेशन में है। उसमें जॉर्जेट दे रहा था लेकिन फैब्रिक ना बहुत ही बढ़िया, एकदम चिकना फैब्रिक है, सिंथेटिक टाइप का। और इस तरीके का गोटा पट्टी का डिटेलिंग मिलता है, ऊपर के साइड में ऐसा ट्रायंगल शेप में गोटा पट्टी डिटेलिंग हो रखा है, उसके बाद दो लाइन में ये है। और ये देखिए, इस तरीके का बांधनी प्रिंट मिलता है, ऊंचाई से बहुत ही बढ़िया है, 5-6 आपकी हाइट है तो भी छोटी नहीं पड़ेगी। और ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये आपके कमर के पास तक ही आके या फिर जहाँ से पल्ला लेते हैं हो सकता है यहीं पे ख़त्म हो जाए। ये वाला बॉर्डर कम मिलता है जो ये चीज़ है ना। साड़ी इतनी सुंदर सी है ना कि अगर आप डेली में पहनने के लिए लेना चाहती हैं तो भी ले सकती हैं, ससुराल में पहनना है इस तरीके की साड़ियाँ तो भी ले सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी साड़ी है ये। पूरी ही साड़ी सेम ऐसी ही मिलती है, ऐसे ही ये देखिए पैटर्न की इस तरीके का प्रिंट मिलता है, कलर कम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। और नीचे के साइड का देखिए, ये जो बॉर्डर है कंटिन्यू है। लास्ट में चलते हैं तो देखते हैं कितना मिलता है खाली पोर्शन। तो कोई भी पोर्शन खाली नहीं है, बल्कि इधर खाली दे देता और पल्ले के साइड में बढ़ा देता तो ठीक रहता, लेकिन ठीक है, इस रेंज में क्वालिटी बढ़िया है साड़ी की। इसके साथ जो ब्लाउज मिलता है ना, ये ब्लाउज़ एकदम बेकार सा मिलता है, ब्लाउज़ का क्वालिटी बढ़िया नहीं है। तो देख लीजिएगा, इसके साथ ना आप इस तरीके के लाइक्रा फैब्रिक वाले ब्लाउज़ ले सकती हैं, या फिर आपके पास कोई और है तो पीस भी मिलता है ब्लाउज़ का, उसे लेके स्टिच करवा सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। देख लीजिएगा कि आपको सही पड़ता है, लेकिन इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करें। ये इस तरीके का देखिए ब्लाउज़ का फैब्रिक है, एकदम ही झिन्नहा सा फैब्रिक मिलता है, कोई काम का नहीं है ये वाला फैब्रिक, लेकिन साड़ी बहुत अच्छी है, 446 के अकॉर्डिंग तो एक नंबर है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी जो है ये ग्रीन कलर की है, ये अगेन बांधनी साड़ी है और इसमें ना आपको कई सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ये वाला नहीं अच्छा लगता तो दूसरे कलर पे जा सकती हैं। और ये देखिए एकदम सील पैक्ड साड़ी आई है और इसका जो पल्लू है ना, ये कुछ इस तरीके का पल्ले का कॉन्सेप्ट मिलता है। और ये साड़ी भी अगेन ऊँचाई से इतनी अच्छी खासी है ना कि अगर आपकी हाइट 5'6" है, 5'7" है तो भी पहनिए, छोटी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये इतना सा पल्ला मिलता है, ऊपर के साइड में ऐसा बॉर्डर है और नीचे के साइड का बॉर्डर ये कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, नीचे के साइड में ऐसा बॉर्डर मिलता है और ये पल्ले का कॉन्सेप्ट ऐसा है। अगर आपकी हाइट 5'7" है तो भी ये साड़ी छोटी नहीं पड़ेगी, ऊंचाई से इतनी बढ़िया है। अगर आप डेली वेयर के लिए ये साड़ी परचेज करना चाहती हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। पूरी ही साड़ी में आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा, ऑल ओवर साड़ी है तो ज़्यादा कुछ तो इसमें बताने के लिए है नहीं, सेम टू सेम आपको पूरी ही साड़ी में ऐसा प्रिंट मिलेगा। और इसी से लगा हुआ ये ब्लाउज़ का फैब्रिक मिलता है जो कि ग्रीन कलर का है, ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में ये बॉर्डर मिलते हैं, जैसे थोड़ा सा मेहंदी ग्रीन नहीं होता उस टाइप का कलर है। कलर बहुत ही सुंदर है, अगेन मैं कहूँगी अगर आपको डेली वेयर में चाहिए तो परचेज कर सकती हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, इसका पर्पल एंड और भी कई सारे कलर का मैंने रिव्यू किया है तो देख लीजिएगा, पीछे चैनल पे पड़े हुए हैं, एक बार चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा, अगर कुछ पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नहीं किया है तो। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी है ना, ये कुछ इस तरीके की लहरिया पैटर्न की साड़ी है, बॉर्डर मिलता है बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का। एंड पूरी साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के कैसी है। इसका कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्रिटी है, कॉटन ब्लेंड फैब्रिक मिलता है इसका, इस तरीके का किनारे में देखिए गोल गोल से ये टसल्स लगे हुए हैं और ऊपर के साइड में ये ऐसा पतला सा बॉर्डर मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वूवन वर्क हो रखा है और नीचे के साइड का जो बॉर्डर है, नीचे में ये कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलता है।
ये लहरिया पैटर्न मिलता है, ये देखिए कलर बहुत ही अच्छे यूज़ किए गए हैं एंड पूरी ही साड़ी आपको सेम टू सेम ऐसी ही मिलेगी। और जो बॉर्डर हो रखा है नीचे के साइड का, नीचे में ये इतना चौड़ा सा बॉर्डर मिलता है। पूरी ही साड़ी एक ही पैटर्न की है ऐसी ही। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ, इसका भी ब्लाउज अच्छा है, क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन इसके कम्बिनेशन में नहीं है। अगर कुछ ऐसा ही टाइप का ब्लाउज मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अगर आप इसका ब्लाउज बनवाती हैं ना तो कट स्लीव का ब्लाउज बनवा लीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा इसके साथ। फेब्रिक इसका कॉटन ब्लेंड है, 99 की साड़ी है और 600 में अपने रेंज को जस्टिफाई कर रही है। बस इसका ब्लाउज एक चीज़ मुझे थोड़ा सा कम ठीक लगा, आपको कैसा लग रहा है बताइएगा कॉमेंट करके। इसके साथ ये ब्लाउज अच्छा लगेगा, मुझे लगता है अगर सेम ही पैटर्न में ब्लाउज आता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। प्लेन ही दे देता ब्लाउज लेकिन बॉर्डर दे देता जो साड़ी में था तो इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़िया निकल के आता। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी है ये जिमी छू साड़ी है, ये आपने एक वीडियो में भी मुझे पहने हुए देखा होगा और हो सकता है पहले भी आपने किसी वीडियो में देखा हो ये वाली साड़ी। तो एक्चुअली उस टाइम ना जब मैंने डाला था तो थोड़ी देर के लिए मैंने देखा था कि साड़ी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अगर आपको पसंद आई हो और परचेज करना चाहती हो तो अभी ये अगेन स्टॉक में है, तो जिन्हें भी परचेज करना है कर सकती हैं। इसमें आपको 10-12 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। किनारे में ये कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलता है और ऊपर के साइड में भी सेम ऐसा ही बॉर्डर मिलता है। और अगर आप ध्यान से देखिए ना तो बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है। ये जो काम हो रखा है इतना बढ़िया है कि निकलने का कोई चांस नहीं है। इस तरीके का प्रिंट मिलता है, टाई एंड डाई प्रिंट है और सिल्क का फेब्रिक मिलता है। जिमी छू साड़ी है, इसमें 10-12 कलर ऑप्शन है, सारे ही कलर एक से बढ़कर एक हैं। अभी सामान को ध्यान में रखते हुए मैंने ग्रीन कलर पिक किया है, जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये वाला बॉर्डर मिलता है। कटवर्क का बॉर्डर दिया गया है और जो काम हो रखा है काम तो बहुत ही बढ़िया है। पूरी ही साड़ी सेम इसी तरीके की है एंड हाँ, मुझे अभी हाल में ये कमेंट आया हुआ था कि जितनी भी साड़ियाँ हैं सारी ही गांव टाइप की हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कौन सी साड़ी गांव के टाइप की है कौन सी शहर के टाइप की है, क्योंकि ये साड़ी देखिए जिमी छू साड़ी है और गांव में भी चल रही है शहर में भी चल रही है। मैंने ये साड़ी दिखाई थी और कुछ कुछ बांधनी पैटर्न की साड़ियाँ थी। तो देखिए गाँव और शहर से मतलब नहीं है, गाँव में रहने वाले गंवार नहीं होते हैं और शहर में भी बहुत लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो कि गंवारों से भी बेकार हैं। तो गाँव और शहर की बात मत किया कीजिए आप लोग, देखिए हर किसी की पसंद अलग होती है। तो मुझे ना हर किसी का सोच के तो साड़ियाँ इंक्लूड करना होता है वीडियो में, तो थोड़ा सा सोच के कमेंट किया कीजिए कि किसी को खराब नहीं लगे अगर कोई कमेंट पढ़े तो। मुझे और कुछ नहीं, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। नीचे का जो बॉर्डर है इस तरीके से देखिए कंटिन्यू है और ऊपर में पूरे में ये ऐसा देखिए ऐसा जो कलर है बहुत ही सुंदर सा कलर है। इसका जो ब्लाउज का क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। नीचे के साइड में लास्ट में ये इतना 1.5 फीट जैसा ये देखिए फैब्रिक खाली मिल जितना फर्स्ट ब्रेक में जाएगा, बाकी का ये यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। और ये मिलता है इसी से लगा हुआ ब्लाउज का फैब्रिक जो कि 90 सेंटीमीटर है। अगर आप डबल एक्सेल तक के भी ब्लाउज वेयर करती हैं तो इतना पर्याप्त फैब्रिक है कि आपको इससे हाफ स्लीव का 9-10 इंच तक का ब्लाउज बन जाएगा। फैब्रिक बहुत ही बढ़िया पर्याप्त मिलता है और इसमें भी ये बॉर्डर मिलता है जो कि आप अपने स्लीव में या फिर कट स्लीव बनवाती हैं तो ब्लाउज के बैक में डिज़ाइन बनवा सकती है। फैब्रिक डुपिन सिल्क है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम कलर यही है, कलर इसका बहुत सुंदर है और साड़ी का कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ट्राई ऑन में देख सकते हैं कि ये साड़ी कैसी लग रही है। मैंने पिंक ब्लाउज के साथ पहना है, वो मिंत्रा से ब्लाउज था और कोई मेरे पास इसके मैचिंग का उस टाइप का ब्लाउज नहीं मिल रहा था तो मैंने पिंक के साथ पहना है। आप इसे डार्क ग्रीन या फिर एकदम जो इसमें येलो का शेड है ना, ये एकदम डार्क वाला जो येलो होता है ये इस टाइप का अगर आपके पास कोई ब्लाउज है तो उसके साथ भी पेयर अप कर सकती हैं, सुंदर लगेगी। एडी की ज्वेलरी पहन सकती हैं और सावन चल रहा है तो ग्रीन ग्रीन दोनों हाथ में भर भर के ऐसी चूड़ियां पहन सकती हैं। कांच वाली पहनेंगी तो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं ना, उसमें भी अगर पहनने के लिए ट्राई करना चाहती हैं तो ले सकती हैं। जैसे तीजा है, अगर आपका फर्स्ट करवा चौथ है तो उसमें भी पहन सकती हैं। 1361 की साड़ी है, प्राइस के अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही महंगी लग रही होगी तो मैं बता दूँ कि उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। जो कलर कम्बिनेशन है ये सारी ही चीज़ें बहुत ही मस्त हैं।
अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी है ना, ये थोड़ी सी रिजनेबल प्राइस में है, आई थिंक 463 की साड़ी है ये वाली, और एकदम ही सॉफ्ट सा चिकना फेब्रिक मिलता है। किनारे में ये ऐसा बॉर्डर मिलता है और ऊपर के साइड में ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है। आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत ही भारी सा बॉर्डर है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम लाइट वेट साड़ी है। बॉर्डर एकदम हल्का सा है, कुछ इस तरीके की फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी है और डेली वेयर के अकॉर्डिंग बेस्ट है। जैसे कोई छोटा मोटा ओकेजन है उसमें पहनना है तो उसमें भी पहन सकती हैं। फेब्रिक एकदम सॉफ्ट, डेली वेयर में तो ऐसे फेब्रिक बहुत कम्फर्टेबल रहते हैं। जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये वाला बॉर्डर मिलता है, और पूरी ही साड़ी सेम ऐसी ही है। ऑल ओवर साड़ी है तो ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए तो है नहीं। लास्ट में मैं देखती हूँ क्या है इसमें। लास्ट में ये इतना सा फेब्रिक ऐसा खाली मिलता है जितना आपके ये फर्स्ट ब्रेक में आगे से रैप करेंगी ना, तो ये 2 फीट के आसपास ऐसा खाली छूटा हुआ है जिसमें बॉर्डर नहीं है। बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है, इसमें बॉर्डर वाला इशू नहीं है कि बॉर्डर कम दिया गया हो। अभी ऐसी ही एक दो साड़ियों का मैंने रिव्यू किया था तो उसमें थोड़ा सा बॉर्डर नीचे में मतलब ज़्यादा ही खाली छोड़ दिया था, लेकिन इसके साथ ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। और इसी से लगा हुआ सेम कलर में जैसी साड़ी है वैसा ही ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है। 90 सेंटीमीटर ब्लाउज का फैब्रिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगी तो ब्लाउज थोड़ा सा टेक्सचर्ड है, एकदम प्लेन नहीं है। और इसी से लगा हुआ ये ब्लाउज के लिए देखिए बॉर्डर मिलता है, ये इतना सा, जो कि आप अपने स्लीव में या फिर बैक में बनवा सकती हैं। साड़ी 463 की है और सारी ही साड़ियों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट और लास्ट साड़ी दिखाती हूँ। ये जिमी छू साड़ी है, रिजनेबल प्राइस में है, कलर बहुत सुंदर है, लाइट कलर है। और अगर आपको ऐसे लाइट कलर्स देख देख के बोर हो गई हैं रिलेटिव्स को पहनते हुए, या फिर खुद ले चुकी हैं कुछ कुछ साड़ियाँ ऐसी प्लेन वाली, कुछ डिफरेंट चाहती हैं जिमी छू में, तो ग्रीन वाली साड़ी मेरे कहने से एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। ये कुछ इस तरीके का देखिए, किनारे में ऐसा बॉर्डर मिलता है, कट वर्क का बॉर्डर मिलता है, धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ऊपर के साइड में भी सेम ऐसी ही एम्ब्रॉयडरी मिलती है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग में की गई है, एक भी धागा इधर उधर नहीं है। बीच में ये छोटी छोटी सी कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरी मिलती है, जिमी छू साड़ी है ये इस तरीके का देखिए, पूरे में ऐसा पल्ले में ऐसा भरा भरा सा एम्ब्रॉयडरी मिलता है। जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये वाला बॉर्डर मिलता है, ये बॉर्डर आपके कमर के पास यहीं से आके स्टार्ट होगा, आपके बेली पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा। जिधर फ्रंट प्लीट बनाते हैं ना, ऊपर के साइड में ये प्लेन मिलता है और नीचे के साइड में नी के नीचे कुछ इस तरीके की छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है, देन ये बॉर्डर कंटिन्यू है। इतना सा फैब्रिक खाली है, आई थिंक 1 मीटर से कम ही है जो कि खाली फैब्रिक मिलता है जितना फर्स्ट ब्रेक में जाएगा, बाकी का ये बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। कोई भी कमी नहीं है साड़ी में और 900 के रेंज की साड़ी है ये साड़ी, टोटली अपने रेंज को जस्टिफाई कर रही है। 900 में तो ये बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, और इसका जो एम्ब्रॉयडरी हो रखा है ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा और जो भी जिमी छू साड़ियाँ आ रही हैं उससे। अगर आपको सेम पैटर्न में देखते देखते बोर हो गई हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी आजकल सारी जिमी छू साड़ियों में कलर चेंज करके लगभग एक ही जैसा आ रहा है, तो भी आप ये वाली देख सकती हैं, अच्छी लगेगी। और इसी से लगा हुआ सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज का कपड़ा मिलता है, ब्लाउज का कपड़ा भी एकदम पर्याप्त है, 90 सेंटीमीटर है ये मिलता है स्लीव के लिए, इतनी सी एम्ब्रॉयडरी, दोनों ही स्लीव के लिए सेम ऐसी ही एम्ब्रॉयडरी है। और ये मिलता है नेक फ्रंट के लिए एम्ब्रॉयडरी, और बैक के लिए कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये इतना सा फैब्रिक ऐसा खाली मिलता है। साड़ी और ब्लाउज के कलर में जरा सा आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, तो ये वाला जो ब्लाउज का कलर है ना, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी से एकदम मैच किया गया है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे मीशो पे, अगर ये नहीं अच्छी लगती इनकेस ये वाला कलर, तो जब भी आप जाएंगी ना तो हो सकता है दूसरे सेलर के पास या फिर सेम सेलर के पास आपको दूसरा कलर मिल जाए, तो देख लीजिएगा, कोई दूसरे कलर पे भी जा सकती हैं। सो ये थी आज की सारी ही साड़ियाँ, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सोच रहे होंगे आज के अटायर के बारे में, तो ये जो साड़ी है मीशो की ही है, बांधनी साड़ी है, 1088 की है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, अच्छी लग रही है, तो इसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड साड़ी का लिंक भी आज के कलेक्शन में मैं रख दूंगी, तो देख लीजिएगा जिन्हें भी परचेज करना है। और ये ब्लाउज भी मीशो का है, ये चूड़ियाँ भी मैंने मीशो से ही ली थी। कुछ कुछ चूड़ियाँ ना कलर छोड़ देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ती, आप कितनी भी गर्मी में पहनिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में ये चूड़ी आई हुई थी। नेकलेस भी मीशो का है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ये कुछ इस तरीके के इयररिंग्स आते हैं।
और अभी ना मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ ऑर्डर करके रखी हैं। अगर आपको ऐसे ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया से वीडियो देखने हैं और आपको अगर कुछ अपने मन का देखना है तो उसका भी लिंक आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे दे सकती हैं। तो ये सारी ही वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।